अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी बहुत ही इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको क्रेप्स कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्रेप्स कहते हैं और डिफरेंट घरों में डिफरेंट ज़बानों में कोई इसको मीठा चीला कहते हैं, कोई इसको मीठा मालपुरा भी कहते हैं। जैसे साउथ इंडिया में डोसा फेमस है, वैसे ही कर्नाटका स्टेट में छोटे से शहर भटकल का ये फेमस ब्रेकफास्ट है। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अंडे। बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। अब इसमें 1 कप हम मैदा ऐड करेंगे, ये 1 कप 250 ग्राम मैदा के इक्वल है। 1/2 कप हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, मैंने 1/2 कप और 1 चम्मच बाद में थोड़ा सा और भी ऐड किया था। इसमें नमक हम 1 चुटकी डालेंगे और 1/4 टीस्पून हमने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है। ये 1/4 टीस्पून हमने वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया और अब हम इसके लिए पानी डालेंगे 1 कप। 1 कप पानी डालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम हमने पानी इसमें नहीं डालना। थोड़ा सा हम पहले ब्लेंड कर लेंगे। मेरे जार का ऊपर से कैप ओपन हो जाता है, अगर आपका कैप नहीं भी ओपन होता तो आप रोक के उसके अंदर पानी डाल फिर से मशीन को ऑन कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा पानी डालेंगे और ब्लेंड होते कर रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पानी फिर इसमें ऐड करेंगे। इस तरह करके तकरीबन 1 कप तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसको बहुत स्मूथ सा बैटर बनाना है, इतना स्मूथ होना चाहिए जैसे कि आप मिल्क शेक पीते हैं, केले या जो है सेब का मिल्क शेक बना के हम जब पीते हैं घरों में, तो ये बिल्कुल वैसा फॉर्म में होना चाहिए। उतना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उतना लिक्विड ये होना चाहिए। मैंने इसको बनाने के लिए 250 ml पानी ही यूज़ किया, यानी कि 1 कप के बराबर। ये पूरा पानी अब हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको फुल ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ही ब्लेंड हो गया है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, यही हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड थी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, आप किसी भी साइज़ का पैन ले सकते हैं, मैं छोटे साइज़ का पैन ले रही हूँ। आप चाहें तो क्रेप्स बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। इसको घी से मैंने जो है हल्का सा ग्रीस कर लिया और अब इसमें मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला और अब हम इसको पैन से फैला लेंगे। चाहे तो आप इस तरह से पैन में फैला लें, चाहे तो आप एक साइड से पैन में लिक्विड डालें और इसको पूरे पैन में हाथ से हिला के फैला लें। मैंने क्रेप्स की रेसिपी पहले भी बताई थी, स्पिनच रोल में मेरे क्रेप्स की रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी, आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये देखिए एक तरफ से जब ये हो जाएगा, हमने इसके ऊपर घी लगाया और इसकी साइड हमने चेंज कर दी। ये क्रेप्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। ये देखिए ज़बरदस्त क्रेप्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कुक हुआ है, अब इसको फोल्ड कर लेंगे। आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। फिर से पैन को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और अगर ऑलरेडी ग्रीस है तो जस्ट उसमें बैटर डालेंगे, थोड़ा बैटर डालेंगे, अच्छे से इसको फैला लेंगे। हमने इसके मोटे मोटे नहीं बनाने, पतले क्रेप्स बनाने हैं, इसे हमने फैला लिया। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए जैसे ही ये थोड़ा पक जाएगा, इसके ऊपर हम घी अप्लाई कर देंगे। घी से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, एकदम देसी भी और मज़े का भी। अब हम इसको साइड चेंज कर देंगे, ये हमने साइड इसकी टर्न कर दिए। आप चाहें तो इसको ये कलर लेके आएँ, चाहे तो आप इसको लाइट कलर में भी बना सकते हैं। अब दोबारा से हम पैन को ग्रीस कर लेंगे और इसी तरह हम दोबारा बैटर डालेंगे। अब इसको अच्छे से सारी तरफ से हिला लेंगे, एक जैसा कर लेंगे इक्वल। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर से हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने सारे क्रेप्स रेडी कर लेने हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। जैसे ये थोड़ा पक जाएगा, साइड से थोड़ा सा छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको इजीली हाथ से भी पकड़ के पलटा सकते हैं, और अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप स्पून की मदद से ही इसको पलटें ताकि आपके हाथ जले ना। फिर से घी अप्लाई करेंगे एक अच्छा कलर लेके आने के लिए। चॉइस आपकी है, चाहे आप इसमें घी लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन घी के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए अच्छे से हमारे क्रेप्स रेडी हो गए हैं, अब हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह बाकी के बैटर से भी हम सारे क्रेप्स रेडी कर लेंगे। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की बेसिक क्रेप्स रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स टाइम पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा और ऐसा करना फ्री है। थैंक यू।